ऑल दट इज एन एकेडेमिक रीडिंग बट ये वीडियो बहुत जनरल एंड एकेडेमिक स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी एज जो सेक्शन मैं सॉल्व करने लगी हूँ इट्स फॉर्मेट इज सेम एज दैट ऑफ सेक्शन थ्री ऑफ जर्नल रीडिंग टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल लाइकन दुबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे हाई फ्रेंड्स माई नेम इज पवन एंड आई एम बैक टू इम्पॉर्ट मोर नॉलेज अबाउट in this video i'm going to solve match the heading section that is section 3 of academic reading test 2 of cambridge 14 by applying skimming and scanning through keyword synonym technique so do watch this video till end as i will tell you how interesting it is to solve match the heading and if you will find this video helpful do like and share the video and tell me in comment section if you want me to prepare any other specific topic or if you have any query and if you want any else online service contact me on my email id or whatsapp number displaying on screen so let's start so guys i have already shared in one of my videos a strategy a technique followed in solving the match the heading that is a four step strategy you should also watch that video carefully link of that video is given in the description so let me give you a brief outline of that four step strategy first step is and always analyze the title of the passage then second is skimming. Skimming means finding the main idea of a paragraph by following two steps. That is, analyze the topic sentence, and then finding the keywords. Then third is the scanning. Scanning means finding the synonym of the keywords identified, and then looking for those keywords synonyms in the list of headings given. And the last step will be match information and find the answer. So now I will apply this technique in solving my reading test.

लाइक वट इज ऑर्डर टॉप मैनेजमेंट मिडल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट मीन्स जो ये लेवल्स होते हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्डर बोला जाता है किसी कंपनी में जब ये लेवल्स बनाए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट मिडल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट तो उसे ऑर्डर बोलते, है बोलते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं बट डिसऑर्डर मीन्स जब ये लेवल्स ना हों तो उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं सो so कंपनीज को यह डिसऑर्डर क्यों अपनाना चाहिए द पैसेज इज अबाउट दार राइट सो हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल गया कि पैसेज में ऑर्डर एंड डिसऑर्डर की बात की गई होगी पैराग्राफ रीड करने से पहले वी विल गिव अ क्विक लुक टू द लिस्ट ऑफ़ हेडिंग्स सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ हम पहले हेडिंग्स क्यों रीड करते हैं समटाइम्स पैराग्राफ रीड करते हुए हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आंसर क्या हो सकता है बिकॉज हमने पहले ही हेडिंग्स में ये पढ़ा होगा और ये हमारा टाइम सेव करता है सो लेट्स हैव अ क्विक लुक टू द लिस्ट ऑफ़ हेडिंग्स सो फर्स्ट इज कम्प्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टन अप्रोच सो कम्प्लेंट्स अबाउट सर्टेन अप्रोच फंडामेंटल बिलीव दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट फंडामेंटल बिलीव्स जो कि इनकरेक्ट होंगी अर्ली रिकमेंडेशन कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज़ सो दे आर रिकमेंडेशच आर अर्ली दे आर रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज ओके सो दर्गेनाइजेशन दैट पुट अ न्यू अप्रोच इन टू प्रैक्टिस तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने न्यू अप्रोच को अपनाया है कंपनीज दैट हैव सफ़र फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच कंपनीज कुछ कंपनीज हैं जिन्हें सफ़र हुआ है मीन्स लॉस हुआ है फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच वट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू सो लोगों के बारे में बात हुई होगी किसी पैराग्राफ में वट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू नेक्स्ट इज हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करंटली इम्पॉसिबल हाउ मीन्स कोई वे बताया होगा कुछ रिजल्ट कैसे अचीव किए जा सकते हैं जो कि आज के टाइम में इम्पॉसिबल हैं ओके सो द नेक्स्ट इज नीदर अप्रोच गारंटीज इज़ इम्प्रूवमेंट नीदर अप्रोच मीन्स किसी पैराग्राफ में टू अप्रोचेज के रिगार्डिंग बात हुई होगी सो so, ये बताया होगा कि उन दोनों से ही कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की गारंटी नहीं है ओके नेक्स्ट इज एविडेंस दैट अ सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस सो एविडेंस रिगार्डिंग कि किसी अप्रोच के मोर एडवांटेजेस हैं देन मोर डिसएडवांटेजेस हैं देन एडवांटेजेस राइट सो हमें एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है कि पैराग्राफ्स में क्या क्या गिवन होगा राइट एंड अगर हम देखें कि देर आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देर आर नाइन हैडिंग्स एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट सेक्शंस So guys here one here one heading is trap one heading will be trap so you have to take care about that Ki one heading extra hai, so one heading will be a trap for students so we will take care about that also so now let's start with our first paragraph so we will apply the technique of skimming and scanning so what is skimming skimming is to uh, find the main idea of the paragraph

लाइन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन सो इसमें हमें पता चलता है कि जर्नली बात की गई होगी इस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस से हमें ये आइडिया हुआ है कि जर्नरल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हुई है सो लेट्स हैव अ लुक वी हैव मोर स्ट्रैटेजी फॉर टाइम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन देन एट एनी अदर टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री आर मोर स्ट्रैटीज वी आर टोल्ड हेयर वी आर हु आर वी वी इज अ पब्लिक हेयर पब्लिक या पीपल ठीक है सो वी इज पब्लिक वी आर टोल्ड दैट वी ऑट टू ऑर्गेनाइज आर कंपनी आर होम लाइफ आ वीक आर डे एंड इवन आर स्लीप ऑल एज मीन्स टू बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव सो है पब्लिक इज टोल्ड दू ऑ ऑटू का मतलब हो सकता है सजेशन दिया हो ठीक है ऑटो हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम सजेशन दिया जाता है किसी को राइट सो वी ऑट टू तो मीन्स उन्हें एक ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा जा रहा है ताकि वो मोर प्रोडक्टिव हो ऑर्गेनाइज क्या, क्या क्या करना है वो बताया गया है एवरी ईयर काउंटलेस सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स टेक प्लेस अराउंड द वर्ल्ड टू टेल अ डेवलपिंग पब्लिक दैट दे ऑट टू स्ट्रक्चर देयर लाइव इन ऑर्डर टू अचीव दिस मीन्स जो सेमिनार्स हो रहे हैं उसमें भी पब्लिक अगेन पब्लिक पब्लिक को क्या क्या कहा जाता है दे ऑट टू स्ट्रक्चर देयर लाइव सो एवरी टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक

क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है वीकनेस अपनी डे टू डे लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है टू बी मोर प्रोडक्टिव इवन सेमिनार्स में भी उन्हें यही कहा जा रहा है सो लेट्स एनालाइज द लास्ट सेंटेंस ऑल्सो द नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स एंड ग्रेजुएट्स हैव मैसिवली ओवर इंक्रीजर पास फिफ्टी ईयर्सेंचरी टीचिंग पीपल अगेन अगेन देर इज पीपल हाउ टू ऑर्गेनाइज वेल अगेन हाउ टू ऑर्गेनाइज वेल मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग ही बात की गई है पीपल की सो so, इसमें ये बोल रहे हैं कि बिजनेस स्कूल्स भी खुल चुके हैं जिसमें ये सिखाया जाता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज होना है सो द होल पैराग्राफ इज़ रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनरल पब्लिक उन्हें क्या क्या सजेशंस दिए जा रहे हैं सो दिस इज़ द स्कीमिंग स्टेप वी हैव डन इसमें हमने टॉपिक सेंटेंस को एनालाइज किया एंड इवन हमने कीवर्ड्स फाइंड आउट किए सो नेक्स्ट स्टेप विल बी स्कैनिंग स्कैनिंग में हम क्या करते हैं जो ये कीवर्ड्स होंगे उसके सिनोनिम्स जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे इन द लिस्ट ऑफ़ हेडिंग्स मे बी सिनोनिम्स दिए हो सकते हैं या लाइन्स को पैराफ्रेज करके लिस्ट ऑफ़ हेडिंग में दिया हो सकता है कोई भी केस हो सकता है सो दिस इज द स्कैनिंग स्टेप वी विल अंडरटेक नाउ सो लेट्स फाइंड आउट द कीवर्ड्स सिनोनिम्स इन द लिस्ट ऑफ़ हेडिंग्स सो फर्स्ट इज कम्पलेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच सो कम्पलेंट्स हमें नहीं गिवन हैं पैराग्राफ में सो दिस विल नॉट बी द आंसर फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट सो कोई फंडामेंटल बिलीव नहीं दिए हुए इसमें ना ही ये कुछ बोला गया है कि इनकरेक्ट है सो अर्ली रिकमेंडेशनस कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज़ तो मे भी ये हो सकता है जैसे रिकमेंडेशन दिवन हैं तो सजेशंस यहाँ जैसे हमने लिखा है कि ऑटो वहाँ लिखा होता है जहाँ सजेशंस दिए होते हैं रिकमेंडेशंस हो सकता है बट यहाँ अर्ली लिखा है तो यहाँ कुछ भी अर्ली के रिगार्डिंग नहीं बात हुई और इसमें अर्ली रिकमेंडेशन कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज़ है तो यहाँ बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं जस्ट पब्लिक के बारे में बात हुई है सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेश न्यू अप्रोच इन टू प्रैक्टिस तो ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग बात नहीं हुई है इसमें कि कोई कंपनीज जिन्होंने न्यू अप्रोच को अपनाया है वो बात नहीं हुई है कंपनीज दैट हैव सफर फ्रॉम चेंजिंग अप्रोच दो मीन्स कोई लॉस के रिगार्डिंग बात नहीं हुई है वट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू सो वी गोट आ की वर्ड पीपल राइट एंड वट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू सो द होल पैराग्राफ इज रिगार्डिंग पीपल So what they are expected to do see. So what they are expected to do people are told people are ought to structure their life, people how to organize well so this is the short short answer. What people are increasingly expected to do. So this is the answer but we will go through other headings to make sure uh, next is how to achieve outcomes that are currently impossible. तो इसमें कुछ भी आउटकम्स के रिगार्डिंग नहीं बोला गया है सो नेक्स्ट इज नीदर अप्रोच गारंटीज कॉन्टीस इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कोई टू अप्रोचेज़ के रिगार्डिंग बात नहीं हुई है सो दिस विल नॉट बी द आंसर नेक्स्ट इज एविडेंस दैट अ सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस तो इसमें कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज के रिगार्डिंग बात नहीं हुई है सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर सो अवर आंसर इज वट पीपल आर इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टेड टू डू सो वी गॉट आवर आंसर एंड दिस वॉज द फोर्थ स्टेप Okay, match the keyword synonyms and find the answer. So, we got the answer by skimming and scanning. First, we find out the keywords and then find out the synonyms of keywords in the list of headings, and we got the answer. So, this is the answer of section A, right? So, now we will cut this, right? So, this was the skimming and scanning technique. तो so, मैंने आपको बहुत स्लोली समझाया है कि कैसे हमने की फाइंड आउट किए फिर उसके सिनेिम्स को इसमें ढूंढा बट यू हैव टू डू इट वेरी फास्टली बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम वाइल सॉल्विंग अर रीडिंग टेस्ट बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू दैट सो आई हैव डन इट वेरी स्लोली ओके सो लेट्स मूवन टू दैक्सट पैराग्राफ नाउ फर्स्ट वी विल एनालाइज द टॉपिक सेंटेंस अरानिकली हा अवर द नंबर ऑफ बिजनेसिस दैट फेल हैज ऑल्सो स्टडीली सो so, इससे हमें पता चलता है कि इसमें बिजनेसेस के रिगार्डिंग बात हुई है जो फेल हो रहे हैं और वो मतलब वो इंक्रीज़ हो गए हैं बिजनेसेस जो फेल हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं द पैराग्राफ इज़ अबाउट कि उसमें मे भी बताया हो कि फ़ेल क्यों हो रहे हैं कुछ रीजन्स बताए हों सो लेट्स फाइंड आउट द कीवर्ड्स वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हैज़ इंक्रीज लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम ऑल डेमोग्राफिक्स क्लेम टू बी डिसटिस्फाइड विद द वे देर वर्क इज स्ट्रक्चर्ड एंड द वे दे आर मैनेज इसमें कहा गया है कि जो वर्कर्स हैं डिसटिस्फाइड हैं किससे डिससेटिसफाईड हैं वे दे वर्क अपने वर्क स्ट्रक्चर से और वर्क जैसे मैनेज किया जाता है उससे डिससेटिस्फाइड है राइट सो दिस बैक्स द क्वेश्चन वट हैज़ गॉन रोंग वाई इज़ दैट ऑन पेपर द ड्राई फॉर ऑर्गेनाइजेशन सीन्स शॉर्ट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बट इन रियलिटी फॉल्स वेल शॉर्ट ऑफ वट इज एक्सपेक्टेड तो इसमें यह बताया गया कि इससे क्वेश्चनराइज होता है कि क्या चीज़ रॉन्ग हुई है एंड जो मीन ऑर्गेनाइजेशन थी ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग कहते थे कि इंक्रीज होनी चाहिए प्रोडक्टिविटी ये एक शॉर्ट शौर शॉर्ट तरीका था ऑर्गेनाइजेशन ठीक है बट इन रियलिटी मीन्स पेपर पे तो मीन्स बुक्स में तो यही लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है बट इन रियलिटी ये नहीं हुआ मीन्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई है राइट सो द कीवर्ड आर की वर्कर्स डिससेटिस्फाइड हैं वर्क स्ट्रक्चर से मैनेजमेंट से सो दीज आर ओवर कीवर्ड एंड दी द क्वेश्चन में भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात हुई हो डिसटिस्फेक्शन की रिगार्डिंग बात हो सकती है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में और ऑर्गेनाइजेशन के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात हो सकती है सो लेट्स फाइंड आउट दूसनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग इन द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सो द फर्स्ट इज कम्पलेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच कंप्लेन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच सो so, कंप्लेंट्स हो सकता है दिस कैन बी द आंसर कि कंप्लेंट्स हैं किसी अप्रोच के रिगार्डिंग मीन्स इसका नेगेटिव एस्पेक्ट बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन का कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की बजाय उस वो नहीं हुई है तो मे भी ये हो सकता है आंसर बट वी हैव टू रीड द अदर हेडिंग्स ऑल्सो फंडामेंटल बिलीव दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट मीन्स फंडामेंटल बिलीव का यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ नेक्स्ट इज अर्ली कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज तो कोई recommendations भी इसमें मैंशन नहीं है दैट पुट ऑर्गेनाइजेश न्यू अप्रोच इन टू प्रैक्टिस सो कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हुई है जिन्होंने न्यू अप्रोच अपनाई है अभी न्यू अप्रोच के रिगार्डिंग बात ही नहीं हुई है अभी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बात, बात हो रही है सो नेक्स्ट इज कंपनीज दैट हैव है फ्रॉम चेंजिंग देअर अप्रोच अभी कोई अप्रोच चेंज के बारे में नहीं बात हुई है तो ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करंटली इम्पॉसिबल कि कैसे आउटकम्स को अचीव करें वो भी यहाँ कुछ नहीं बताया गया है नीदर अप्रोच गारंटीज़ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट नीदर अप्रोच वहीं लिखा होगा जहाँ दो अप्रोच के बारे में बात हो हुई हो बट इसमें नहीं गिवन है कुछ भी इस तरह का एविडेंस दैट अ सर्टन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवाटेज दैन एडवाटेज तो ये भी हो सकता है बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कि इंक्रीज होनी चाहिए थी प्रोडक्टिविटी बट नहीं हुई है ठीक है मीन्स एडवांटेजेस जो थी वो कम हुई हैं डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो रही हैं तो इन दो हैरिंग्स uh, में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं राइट right. तो इसमें आपको क्या करना है दोनों के आगे लिख दीजिए बी ठीक है और हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव ऑन होंगे हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होकर इस पर ज़्यादा टाइम लगाने लग जाते हैं बट यू हैव टू डू इज अगर दो हेडिंग्स में आप कन्फ्यूज हैं तो उसके आगे लिख लीजिए वही आंसर दोनों के आगे लिख लीजिए ठीक है एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ बिकॉज समटाइम्स इट्स पॉसिबल हमें किसी हेडिंग का ज़्यादा अच्छा इससे मैच मिल जाए किसी पैराग्राफ के साथ राइट right? तो उससे हम ज़्यादा श्योर हो जाएंगे आंसर के रिलेटेड सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ सी

बिगनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी में कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे टू इम्प्रूव देंसी वर्क प्रोसेसिस ठीक है प्रिंसिपल वर्क प्रोसेस दीज आर आर कीवर्ड्स राइट जो कि आज तक मॉडर्न कंपनीज में यूज किए जाते हैं सो लेट्स फाइंड आउट की लिस्ट ऑफ हैर कंफ्यूज कंप्लेन अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच नो देंट आर नॉट गिवन फंडामेंटल बिलीव दैट आर इनफैक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्शन के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं हुई है अर्ली रिकमेंडेश कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज दिस कैन बी द आंसर बिकॉज इसमें उसने रिकमेंडेशंस को प्रिंसिपल्स बोला हो सकता है रिकमेंडेशंस कैन भी प्रिंसिपल्स एन एन एम अर्ली अर्ली इज द फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटियथ सेंचुरी लिखा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटियथ सेंचुरी मीन्स बिगनिंग हो सकता है अर्ली हो सकता है सो वी गॉट आर सिन अम हेयर की वीन नेम हैर सो फर्स्ट हाफ ऑफ ट्वेंटियथ सेंचुरी इज अर्ली एंड रिकमेंडेशन इज प्रिंसिपल्स कंसर्निंग बिजनेस एक्टिविटीज एंड दिन नेम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज गिवन वर्क प्रोसेस इज वी गॉट आर की विन अ नेम सो दिस इज अट शॉर्ट आंसर

नॉट करेक्ट तो ये लिखा हो सकता है तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो ये जब यहाँ तक हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन से जो एफिशिएंसी आती है उसका जो ऑब्सेशन है वो इनकरेक्ट है तो इस पे इस टॉपिक सेंटेंस में ये गिवन है तो इसमें भी मे भी बात की हो कि क्यों इनकरेक्ट है तो कैसे इनकरेक्ट है तो इससे हमें ये टॉपिक सेंटेंस से पता चल गया सो लेट्स फाइंड आउट आ कीवर्स द प्रॉब्लम इज नॉट नेसरी द मैनेजमेंट थ्यूरीज और स्ट्रैटेजीज वी यूज टू आर्गेनाइज अर वर्क इट द बेसिक एजाम्शंस वी होल्ड इन अप्रोच इज हाउ वी वर्क तो ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्यों है कि इनकरेक्ट क्यों है द प्रॉब्लम इज नॉट नेसेसरी द मैनेजमेंट थ्यूरीज मीन्स जो प्रिंसिपल जो टेलर ने दिए हैं वो प्रॉब्लम नहीं है वी यूज टू ऑर्गेनाइज इट्स द बेसिक एजाम्पन्स वी होल्ड बट प्रॉब्लम किस में है बेसिक एजाम्प दिस इज अवर की वर्ड दिस कैन बी अर की वर्ड इट्स द बेसिक एजाम्शंस वी होल्ड इन अप्रोचिंग हाउ वी वर्क एजाम्पन्स कंपनीज ने बना रखी हैं अपने वर्क के रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है ठीक है तो एजाम्शंस हेयर इट्स द एजाम्पन तो एजाम्शंस क्या है हेयर इज द्शन दैट ऑर्डर इज ने कंडीशन फॉर प्रोडक्टिविटी दिस एजाम्पनोस्ट द आइडिया दैट डिस ऑर्डर मस्ट बी डेट्रीमेंटल टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी एजाम्पन क्या लगाई है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर होगा तो ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी अगर डिसऑर्डर होगा तो डेट्रीमेंटल डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल होगा प्रोडक्टिविटी के लिए तो ये एग्जाम्शन बनाई हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी द रिजल्ट इज दैट बिजनेस एंड सा पीपल स्पेंड टाइम एंड मनी ऑर्गेनाइजिंग फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रदर दैन actually लुकिंग एट द एंड गोल तो इसमें बताया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो अपना एंड गोल ही भूल जाते हैं राइट सो द होल पैराग्राफ्स में मेन आइडिया क्या बताया गया है कि जो बेसिक एक्साम्शंस जिस पर उनका वर्क बेस्ड है वो मिस गाइडेड हैं इनकरेक्ट हैं ठीक है सो नाउ लेट्स फाइंड आउट दीज की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स सो द फर्स्ट इज कम्प्लेन्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच नो इसमें कुछ कंप्लेन के रिगार्डिंग नहीं बताया है फंडामेंटल बिलीव्स दैट आर इन फैक्ट इनकरेक्ट so we got our keywords synonyms i think that basic assumptions so basic assumption ka synonym ho sakta hai fundamental beliefs basic assumptions basic assumptions are in fact incorrect so here it is written misguided misguided means incorrect or not correct we got our synonym that fundamental beliefs they are holding on which their work is based. They are misguided. They are incorrect. So this is the answer of this paragraph. We got our keyword synonyms. So you can see how interesting it is to match these keyword synonyms, and you can 100% get the right answer if you will master this technique of finding keyword synonyms and paraphrasing, because the whole reading test revolves around paraphrasing and keyword synonym technique. Right? So.

Evidence that certain approach can have more disadvantages than advantages. Is comparison advantage disadvantage ka. So this is the answer. Fundamental beliefs that are in fact incorrect for the D paragraph. Right? So now we will move on to the next paragraph E. So let's read it. What's more? रीसेंट स्टडीज शो दैट ऑर्डर एक्चुअली हैज़ डिमिनिशिंग रिटर्न तो recent studies show शो so, show, show कर रहे हैं ठीक है मीन्स प्रूव कर रहे हैं रिसेंट स्टडीज प्रूव दैट ऑर्डर एक्चुअली हैज डिमिनिशिंग रिटर्न्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हो सकता है कि लो प्रॉफिट्स हैं ठीक है तो so, ये फर्स्ट हमें लाइन से टॉपिक सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि कोई रिसेंट स्टडीज हुई है जिससे ये प्रूव हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर से लो प्रॉफिट्स होते हैं ठीक है तो इसमें इसी के रिगार्डिंग प्रॉफिट कॉस्ट इसके रिगार्डिंग बात हो सकती है सो लेट्स मूव ऑन लेट्स फाइंड आउट आर कीवर्ड्स ऑर्डर डज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट इवेंचुअली द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द बेनिफिट इट वील्स रिड्यूज अंटिल द पॉइंट वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन ऑर्डर रिड्यूज प्रोडक्टिविटी तो इसमें क्या बताया है कि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होती है ऑर्डर से ठीक है बट इवेंचुअली द यूजफुलनेस यूजफुलनेस एंड द बेनिफिटेड यूज बेनिफिट्स हो सकते हैं एडवांटेजेस और हमने ये कहीं रीड भी किया है एडवांटेज डिसएडवांटेज लिस्ट ऑफ़ हेडिंग्स में ठीक है तो यही रीड करने का फ़ायदा होता है कि हम हेडिंग्स रीड कर लें तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हेडिंग में हमने ये वर्ड पढ़ा है राइट सो एडवांटेजेस रिड्यूज आंटिल द पॉइंट वो कहते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे अगर सर्टेन पॉइंट तक ऑर्गेनाइजेशन की जाए तब तक तो बेनिफिट है मीन्स इंक्रीज होती है प्रोडक्टिविटी लेकिन एक लेवल के बाद वो रिड्यूज़ होने लग जाती है उसके बेनिफिट रिड्यूज़ होने लग जाते हैं प्रोडक्टिविटी रिड्यूज़ होने लग जाती है सम आर्ग्यू दैट इन अजनस इफ़ द कॉस्ट ऑफ फॉर्मली स्ट्रक्चरिंग समथिंग आउटवेज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैन दे और नॉट टू भी फॉर्मली स्ट्रक्चर एंड द रिसोर्स इन ओके तो इसमें कह रही है कि अगर कॉस्ट आउटवेज मीन्स ज्यादा है मोर देन अगर कॉस्ट मोर देन है बेनिफिट से कॉस्ट हो सकती है डिसएडवांटेज ठीक है कि कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट से तो मींस वो रिसोर्सेज प्रॉपरली उसमें यूटिलाइज नहीं किए गए हैं वो मतलब ठीक नहीं है राइट right? तो मेन आइडिया हमें इससे पता चला है कि ऑर्डर्स मींस जो बेनिफिट्स हैं ठीक है बेनिफिट्स कम है कॉस्ट ज़्यादा है तो इसके इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज के रिगार्डिंग बात की गई है सो लेट्स फाइंड आउट दीज की वर्ड्स इन द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स फर्स्टली वी नो दैट कि इसमें इस वाली हेडिंग में एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की गई है बट वी विल रीड द हेडिंग्स कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच तो इसमें कंप्लेंट्स की बात नहीं हुई है इसमें एक कंपैरिजन किया गया है कॉस्ट एंड बेनिफिट का राइट right? तो ये तो ऑलरेडी हो चुकी है वी विल कट इट एंड वी विल आल्सो कट दिस आल्सो दिस इज ऑलरेडी बीन डन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन दैट पुट अ न्यू अप्रोच इन प्रैक्टिस नो कंपनीज दैट हैव है फ्रॉम चेंजिंग देर अब भी चेंजिंग अप्रोच के बारे में बात ही नहीं हुई है अभी तक सो हाउ टू अचीव द आउटकम्स दैट आर करेंटली इम्पॉसिबल इसमें कोई भी वेज नहीं बताया हमें कैसे आउटकम्स अचीव करने हैं नीदर अप्रोच गैरेंटीज कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट तो इसमें कोई टू अप्रोचेस के रिगार्डिंग बात नहीं हुई है एविडेंस दैट अ सर्टेन अप्रोच कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस दैन एडवांटेजेस सो येस हैो वी गेट द कीवर्स इन अम्स लाइक इन दिस पैराग्राफ एविडेंस दैट अ सर्टन अप्रोच मीन्स रीसेंट स्टडीज शो मीन्स उन्होंने पैराफ्रेज किया है सिनानेम्स लिखे हैं कि एविडेंस को उन्होंने लिखा है रिसेंट स्टडीज शो एविडेंस दिया है मीन्स किसी स्टडी ने शो किया है प्रूफ किया है मीन्स उन्होंने एविडेंसेस के थ्रू ही प्रूफ किया होगा तो एविडेंसेस की जगह है रीसेंट स्टडीज शो दैट अ सर्टेन अप्रोच सर्टेन अप्रोच इज़ अ ऑर्डर सो ऑर्डर के बारे में बात की है अप्रोच इज ऑर्डर कैन हैव मोर डिसएडवांटेजेस दैन एडवांटेज में बोला है कि एक यूजफुलनेस जो है उसकी एक लेवल तक होती है उसके बाद डिसएडवांटेजेस होने लग जाती है राइट सो मीन्स कॉस्ट आउटवेज द बेनिफिट मीन्स डिसएडवांटेजेस आर मोर देन द एडवांटेजेस सो वी गॉट आर कीवर्ड्स इनम्स प्रॉपर कीवर्ड्स इन नेम्स सो फॉर ई सेक्शन द आंसर इज नाइंथ हैडिंग सो दिस इज नॉट द आंसर ऑफ बी पैराग्राफ तो मैंने कहा था अगर आप डाउटफुल हो तो उसमें मार्क ज़रूर कर लो एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ समटाइम्स हमें परफेक्ट मैच मिल जाता है इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमें अपना परफेक्ट आंसर मिल जाता है ठीक है तो इसका भी आंसर मिल गया और इसमें हम कन्फ्यूज़्ड थे बी पैराग्राफ के लिए तो उसके लिए भी हमें आंसर मिल गया कि आंसर उसका कंप्लेंट्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन अप्रोच था तो इसमें कंप्लेंट्स ही दी गई थी अब अब हमें ज़्यादा क्लियर हो गया कि इसमें कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग बात की गई है कि वर्कर्स अपने वर्क के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कंप्लेंट कर रहे थे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कंप्लेंट कर रहे थे और ऑर्गेनाइजेशन जो एक अप्रोच थी उसके रिगार्डिंग बात की गई थी कि क्या कंप्लेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग राइट सो द फॉर बी पैराग्राफ द हैडिंग एज़ फस्ट कंप्लेंट तो हम इसे भी कट कर देते हैं और इस हैडिंग को भी कट कर देंगे राइट सो नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ एफ सो लेट्स रीड इट इन फैक्ट रिसर्च शोज दैट वेन इनोवेटिंग द बेस्ट अप्रोच इज टू क्रिएट एन एनवामेंट दॉइड ऑफ स्ट्रक्चर एंड हरारकी

सो विदाउट स्ट्रक्चर और हरैर की एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए एंड इनेबल एवरी वन टू एज वन ऑर्गेनिक ग्रुप मीन्स लेवल्स ना होके हमने लेवल्स की बात की थी राइट right? ये लेवल्स ना हो के सिर्फ एक ऑर्गेनिक ग्रुप हो ठीक है लेवल्स नहीं होने चाहिए मीन्स जब इनोवेशन की बात हुई है बेस्ट वे एक ऐसा एन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ कोई स्ट्रक्चर ना हो कोई हर कोई लेवल्स ना हो और सब लोग एक ग्रुप की तरह काम करें वहाँ इनोवेशन हो सकती है राइट सो दीज एनवायरनमेंट्स कैन लीड टू न्यू सॉल्यूशंस न्यू सॉल्यूशंस कि अगर ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए विदाउट स्ट्रक्चर एंड हर तो न्यू सोल्यूशंस हमें मिल सकते हैं दैट अंडर कन्वेंशनली स्ट्रक्चर्ड एनवायरमेंट्स फिर दिए दिए दिस, 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 दिस वुड नेवर बी रीच्ड कि मतलब जो आज के जो स्ट्रक्चर हैं कन्वेंशनली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है उसमें वुड नेवर बी रीच मीन्स दे आर नॉट पॉसिबल ठीक है और कन्वेंशनली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट्स कौन कौन से हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स जिसमें लेवल्स हैं ठीक है तो मतलब इस स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं है अगर आप इनोवेशन चाहते हो तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें सब लोग एक ऑर्गेनिक ग्रुप एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं ठीक है और ये जो हमें इससे ऐसे हमें सोल्यूशन मिल जाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन से पॉसिबल नहीं है सो हेयर वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द डिसऑर्गेनाइजेशन सो आवर कीवर्ड्स आर इनोवेशन एंड द वे टू क्रिएट दिस इनोवेशन मीन्स एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए वन ऑर्गेनिक ग्रुप एंड दैन विच वुड नेवर बी रीच्ड मीन्स नॉट पॉसिबल कि ये न्यू सोल्यूशन इस एन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं है अगर ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे तो ही ये सोल्यूशंस मिल सकते हैं सो नाओ लेट्स फाइंड आउट दिज की वेम्स इन द लेस्ट ऑफ हेडिंगस सो दिस इज बींग डन सो लेट्स स्टार्ट फ्राम हेड ऑर्गेनाइजेशट पुट अ न्यू अप्रोच इन टू प्रैक्टिस अभी हमने न्यू अप्रोच की बात की है बट यहाँ कोई बात नहीं हुई है कि किसी ने प्रैक्टिस में लेकर आया है सो नेक्स्ट इज कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच अभी कोई अप्रोच चेंज के रिगार्डिंग नहीं बात हुई है कोई लॉस के रिगार्डिंग बात नहीं हुई है हाउ टू अचीव आउटकम्स दैट आर करंटली इम्पॉसिबल आउटकम्स न्यू सोल्यूशंस सो वी गॉट आर कीवर्ड सिन एन एम हैव न्यू सोल्यूशंस आउटकम्स

वी गॉट अवर की वज इन नेम है सो हमें ये पॉस ये भी मिल गया है की वर्ड इन नेम एंड हाउ मीज इसने लिखा है कि बेस्ट अप्रोच बेस्ट वे इज़ तो इसमें वो वे ही बता रहा है कि कैसे हमें ये सोल्यूशनस मिल सकते हैं आउटकम्स मिल सकते हैं सो वी गॉट अवर की वजस इन नेम्स सो दिस इज़ द आंसर बट वी विल रीड अदर हैदिंग ऑल्सो नीदर अप्रोच गारेंटीज continuous improvement no so this is not the answer so answer is this only how to achieve outcomes that are currently impossible so we will cut this so for f the answer is this All right so now we will move on to the next paragraph g we will analyze the topic sentence

न्यू आइडियाज़ के थ्रू उसको एक्सेप्ट कर रहा है या अपने प्रोसेस में न्यू डिसऑर्गेनाइजेशन लेके आ रहे हैं तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कुछ कंपनीज ने एक्सेप्ट किया है डिसऑर्गेनाइजेशन को तो मे बी द पैराग्राफ विल बी अबाउट द कंपनीज जिन्होंने डिसऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट किया है तो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं ऑटिकॉन लार्ज एनिश मैनुफैक्चर ऑफ दिस 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 यूज दिस पैगटी स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू रिड्यूज़ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उन्होंने एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है कि डिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है यही बताया गया है स्क्रैपिंग फॉर्मल जॉब टाइटल्स ह्यूज अमाउंट ऑफ ओनरशिप और विदर ओनर दिस अप्रोच प्रूव टू बी हाईली सक्सेसफुल इनिशली विद क्लियर इम्प्रूवमेंट इन वर्क पर मीन्स इन्होंने इसमें सिर्फ यही बताया कि अकॉटिकन नाम की कंपनी ने डिस ऑर्गेनाइजेशन को अपनाया है जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है राइट right? तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है जर्नल इलेक्ट्रिक के बारे में एम्बरी मीज उन्होंने एक्सेप्ट किया है डिसऑर्गेनाइजेशन को पुटिंग फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ बाउंड्रीलाइस ऑर्गेनाइजेशन अगेन इट ब्रेक्स मीज़ उन्होंने एक तरह से कंपनीज़ का नाम बताया है और उन्होंने डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे की है ये बताया है और गूगल के बारे में बात हुई है गूगल एंड मैनी कंपनीज हैव एम्ब्रेस्ड हमने इस रिगार्डिंग आई थिंक काफ़ी बार पढ़ भी लिया है हेडिंग में कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने असेप्ट किया है डिसऑर्गेनाइजेशन को पूरा पैराग्राफ उसी के रिगार्डिंग है कि कंपनीज दैट हैव द न्यू अप्रोच न्यू अप्रोच कौन सी है डिसऑर्गेनाइजेशन सो द होल पैराग्राफ इज रिगार्डिंग दिस ओनली सो लेस हमें टॉपिक सेंटेंस से ही एक्चुअली हमें आंसर मिल गया है कि द कंपनीज हैव स्लोली स्टार्टेड कि कंपनीज की ही पूरे पैराग्राफ में बात हुई थी जिन्होंने अक्सेप्ट किया था डिसऑर्गेनाइजेशन को सो लेट्स फाइंड आउट

कंपनीज दैट हैव सफ़र्ड फ्रॉम चेंजिंग देयर अप्रोच तो इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स बट इसमें हमें क्लियरली बताया है जैसे ऑटिकॉन की एग्जाम्पल दी थी कि उन्होंने अपनाया दिस ऑर्गेनाइजेशन को जिससे उन्हें सक्सेस भी मिला और वर्कर्स प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है तो उन्हें सफ़र नहीं हुआ सफ़र मीन्स उन्हें लॉस हुआ तो इसमें कोई सफरिंग नहीं बताई हुई जस्ट ये बताया है कि डिसऑर्गेनाइजेशन को अपनाया और उन्हें प्रॉफिट्स भी हुए एंड द वे उनके बताए हैं कि कैसे डिसऑर्गेनाइजेशन को अपनाया गया है सो द पैराग्राफ इज नॉट अबाउट द सफरिंग फ्रॉम चेंजिंग द अप्रोच दिस इज़ नॉट द आंसर दिस इज द आंसर एंड दर द नीदर अप्रोच गारंटीज़ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट तो इसमें कोई टू अप्रोच के बारे में बात नहीं हुई है तो दिस इज़ नॉट द आंसर तो आंसर इज दिस ओनली ऑर्गेनाइजेशंस दैट पुट न्यू अप्रोच Into practice, right? So we got our keyword synonyms. So now let's move on to the next paragraph. Last paragraph is H, right? So the first topic sentence is a word of warning to others thinking of jumping on this bandwagon means word of warning means a warning. They are negative. में भी इसमें बताया गया है थिंकिंग ऑन दिस पैंड वैगन पैंड वैगन मीन्स जो डिसऑर्गेनाइजेशन को अपनाने के बारे में सोच रहे हैं उनको वो वार्निंग दे रहे हैं तो पैराग्राफ उस रिगार्डिंग ही होगा कि डिसऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ नेगेटिव है तो उसके रिगार्डिंग वार्निंग दी होगी इस पैराग्राफ में तो हमें टॉपिक सेंटेंस से पता चल गया है राइट सो द एविडेंस सो फॉर सजेस्ट डिसऑर्डर मच लाइक ऑर्डर ऑल्सो सीम्स टू हैव यूटिलिटी तो हमने पहले पढ़ा था पैराग्राफ में कि ऑर्गेनाइजेशन की डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं राइट तो अब इसमें बोल रहे हैं कि ऑर्डर की तरह दिस ऑर्डर के भी डिमिनिशिंग यूटिलिटी है मीन्स नो लो प्रॉफिट्स हो सकते हैं एंड कैन हैव डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन परफॉर्मेंस इफ ओवर यूज मीन्स इसमें बताया कि डिस ऑर्डर ऑर्डर की तरह ही अगर एक लेवल तक यूज़ किया जाए तभी बेनिफिशियल है अगर वो लेवल पार कर दिया जाए तो वो भी रिड्यूस ही करेगा प्रोडक्टिविटी को लाइक ऑर्डर डिसऑर्डर शुड बी एम्बरेज ओनली सो फॉर इट इज यूजफुल मीन्स तब तक ही यूज़ करना चाहिए बट वी शुड नॉट फियर इट उसे डरना नहीं है नॉट वैन रेट वन ओवर द अदर नॉट वैन रेट वैन रेट मीन्स रिस्पेक्ट मीन्स हमें दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है ऐसे नहीं कि एक को ज्यादा दें दूसरे को ज़्यादा दूसरे को कम दें राइट सो दिस रिसर्च ऑल्सो शोज दैट वी शुड कॉन्टिन्यूली क्वेश्चन वेदर और नॉट आर एग्जिस्टिंग एजॉम्पन्स वर् सो ये रिसर्च शो कर रही है कि कोई भी इन दोनों में से अगर हम ऑर्डर भी यूज़ करते हैं डिसऑर्डर भी यूज़ करते हैं ये दोनों ही एक लेवल तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे बट एक लेवल के बाद दोनों ही डिसएडवांटेजेस देंगे तो दोनों को ही हमें रिस्पेक्ट करना है दोनों के ही उस लेवल तक हमें यूज़ करना है जहाँ तक कि हमें प्रॉफिट्स हो और कॉन्टीन्यूसली क्वेश्चन मीन्स अपने जो वर्क प्रोसेस हैं या जो एजाम्पशनस हैं जिस पे हमारी बेस्ड हैं उसको हम कॉन्टीन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा ऐसे ही नहीं है कि हम एक अप्रोच को सारी उम्र लेके एक कंपनी को चला सकते हैं राइट सो वट दिस मीन्स दिस ओनली कि हम कॉन्टीन्यूसली एक एजाम्पशन पर नहीं चल सकते हमें रेगुलरली रिवाइज करना पड़ता है सो यू कैन सी कि इसमें दो अप्रोचेज के बारे में बात हुई है और उन्होंने यही बताया कि दोनों अप्रोचेज के ही एडवांटेजेस भी हैं डिसवांटेजेस भी हैं तो टू अप्रोचेज के बारे में बात हुई है सो लेट्स फाइंड आउट दिस की वर्ड्स एंड एन एम्स या पैराफ्रीजिंग सो वी आर लेफ्ट विद ओनली टू हेडिंग्स कंपनीज दैट हैव सफर्ड फ्राम चेंजिंग देअर अप्रोच सो दिस इज द ट्रैप एक्चुअली दिस वॉज द ट्रैप फॉर दिस हैडिंग राइट सो दिस इज नॉट द आंसर फॉर दिस पैराग्राफ नीदर अप्रोच गारंटीज़ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट सो यू कैन सी कि इसमें टू अप्रोच के दोनों के बारे में बात हुई ऑर्डर और डिसऑर्डर उसने यही बोला है कि रिसर्च शो करती है कि हमें कॉन्टीन्यूसली अपनी एजाम्शन्स को वर्क करना पड़ता है कोई भी जो अप्रोच है चाहे वो ऑर्डर हो या डिसऑर्डर हो दोनों में से कोई भी आपका शॉर्ट शॉर्ट आंसर नहीं है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का कोई भी गारंटी नहीं करता है राइट right, सो so, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही दोनों हेल्पफुल हैं दोनों यूजफुल हैं सो दिस इज द आंसर नीदर अप्रोच गारंटीज कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट सो दिस इज द आंसर फॉर एच पैराग्राफ सो यू कैन सी यहाँ लिखा था कि द एविडेंस सो फार सजेस्ट तो इसमें मैं एक चीज़ मैंशन करना चाहती हूँ कि समटाइम्स स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ यहाँ एविडेंस लिखा है तो इस वाली हैडिंग में भी एविडेंस लिखा था तो यही आंसर हो सकता है ये स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो सिमिलर वर्ड्स को मैच करने लग जाते हैं बट द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो ये मैच द हेडिंग क्वेश्चन है इट इज़ ऑल अबाउट मैचिंग द कीवत्स इनम्स और मैचिंग द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ्स डोंट डू दीज टाइप ऑफ सीवी मिस्टेक्स आपको मैच सेम वर्ड्स मैच नहीं करने हैं सो आई वॉन्ट टू मैंशन दिस ऑल्सो एंड ऑल्सो वेन जब आप आंसर कर रहे हो क्वेश्चन को डोंट पुट इन साइड द ब्रैकेट डोंट पुट द आंसर इन साइड ब्रैकेट यू हैव टू मैंशन द आंसर इन दिस वे ओनली डोंट पुट इट इन साइड द ब्रैकेट्स राइट सो दिस वॉज द स्टीमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक कीवर्ड सिनानिम टेक्निक जिससे आप बहुत इंटरेस्टिंगली आप मैच द हेडिंग को आप सॉल्व कर सकते हो बट एक ही आपको मास्टर करनी है स्किल की आप कैसे कीवर्ड सिनानिम्स को लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में ढूंढते हैं और आपको पैराफ्रेजिंग कितने अच्छे से आती है सो बिकॉज द होल रीडिंग रिवॉल्व अराउंड द कीवर्ड एंड पैराफ्रेजिंग राइट right? सो so, आप कैसे मास्टर कर सकते हो ज्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड इससे इस टेक्निक से आपके इवन नाइन बैंड भी आ सकते हैं रीडिंग में राइट सो दिस वॉज द फोर स्टेप स्ट्रैटेजी जिससे आप इजिली लिस्ट ऑफ हैडिंग्स को करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं सो गाइज दिस वॉज इट, आई होप यू फाइंड की रीडिंग टेस्ट के मैच द हेडिंग सेक्शन को सॉल्व करना कितना इंटरेस्टिंग है All you need is to master the skill of finding synonyms, finding keyword synonyms, and then paraphrasing. And this can be done only through the regular practice. And if you will master this keyword synonym technique, you can also score 9 Ban in ALTS reading test. So, all the best for your practice and stay tuned with my channel for more updates. Thank you and bye bye.